हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। यहाँ पर इमली के ऊपर आ गई है एक और नई मुसीबत। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि यहाँ पर इमली उन तीनों चारों औरतों को वापस लेकर जाती है और आदिवासी को कहती है कि आप लोगों को यहाँ पर टॉयलेट बनाना चाहिए। और ये सबको सुनकर आर्यन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, तो साथ में वो उनको पैसे भी दे देता है। वहीं अब उन आदिवासियों को पता चल जाता है कि इमली तो रिपोर्टर है, उनकी पन्ना परी नहीं, जिसके बाद में उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदित्य उसे बचाते नजर आता है और उनको अच्छा खासा लेक्चर दे देता है। वो उनसे माफी मांगते हैं और उसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। और वो यहाँ पर देखने को मिलता है पूरा परिवार एक के बाद एक आरती करते नजर आता है उनकी सही सलामती के लिए। तो दूसरी तरह यहाँ पर अर्पिता काफी ज्यादा परेशान होती है, किचन में जाकर रो रही होती है कि आरू को कुछ नहीं होगा। तो सुंदर आकर उसको हिम्मत देता है और साथ ही प्रसाद बनाने के लिए कहता है, मन तो प्रसाद बनाने हैं। और उस मन ही मन प्रार्थना करता है कि सब लोग जल्दी से जल्दी घर आ जाए। दोनों साथ मिलकर प्रसाद बनाते नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ इमली और आर्यन पहुंचते हैं गांव में, जहां पर पुलिस इंस्पेक्टर ने बताता है कि और सब तो लोग मिल चुके हैं और ज़्यादा रिपोर्ट वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, लेकिन आर्यन को कुछ अपने जो अकॉर्डिंग उनके बारे में इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश कर रहा होता है। और उसी के सूत्रों के द्वारा पता चलता है कि उसकी इमली की मॉम गायब है, यानी उसकी माँ गायब है और नानी भी लापता है, जिसके बाद इमली को अपने होश ही खो देती है और बुरी तरह से यहाँ पर परेशान हो जाती है कि माँ को वो कुछ नहीं हो सकता। तो वहीं पर आदित्य के लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। आर्यन नहीं चाहता कि अब इमली अपनी जान खतरे में डाले, क्योंकि इंस्पेक्टर पहले ही कह जाता है कि यहाँ पर हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, सब जगह कई जगह बॉम्ब लगे हुए हैं, इनको डिफ्यूज करना है। और साथ में ही आतंकवादी नानी को उठाकर ले चुके जा चुके हैं। अम्मा भी गायब है और इमली अभी यहाँ पर जल्दी से जल्दी उनके पास पहुँचना चाहती है, लेकिन आर्यन उसे नहीं जाने देता, उसे कसकर पकड़ लेता है। और उसे अपनी ही बात याद अपनी ही चीज़ें याद आती है कि किस तरह से अनिरुद्ध उसके सामने मर रहा होता है, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। तो वो इमली को छोड़ देता है और इमली भाग कर पहुँचेगी आदित्य के पास, लेकिन यहाँ पर आर्यन ही आदित्य की जान लेने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा जिसमें आदित्य गायब हो जाएगा और एक नई पहचान के साथ वापस एंट्री करेगा। तो वहीं पर इमली को आर्यन से नफरत हो जाएगी कि उसने इतनी घटिया हरकत की है। तो भाई अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आगे जाकर इमली आर्यन से कैसे बदला लेती है इन सब चीजों का।